अप्रैल का माह चालू हो गया है, गर्मी तेज हो गई है, धूप बहुत बढ़ गया है और हमारे जो बगीचे में जो हम लोग गमला रखे हैं उसको शहरी एरिया में शिफ्ट करने का टाइम आ गया है, क्योंकि अब हम लोग का जो गमले में जो हम लोग फूल लगाए हैं, पौधा लगाए हैं, उसके पत्ते जलने लगे हैं। उसके साथ साथ और बहुत से बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है हमारे पौधों को, और ये मेरे गुलाब का पौधा है, मेरे गुलाब के पौधे में भी ये बीमारी है। ये जो बीमारी मैं दिखा रही हूँ ये है थ्रिप्स, जिससे यह उसकी कली पूरी ये काली पड़ गई है और पत्ते भी मुड़ गए हैं और काले काले धब्बे हो गए हैं। यह बीमारी मेरे पूरे गुलाब के पौधे में फैल गई है और मेरे दूसरे गुलाब में भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, जो इसमें नया नया ग्रोथ हो रही थी ये देखिए ये भी रुक गई है और ये पत्ते मुड़ गए हैं और दूसरे में भी यह बीमारी फैल रहा है। अगर मैं भी इसमें कोई स्प्रे नहीं करूंगी, कुछ दवाई का छिड़काव नहीं करूंगी, तो ये मेरे पूरे गमले के जो गुलाब है उसमें फैल जाएंगे। तो आज मैं इसके बारे में बताऊंगी, ये जो थ्रिप्स के बारे में, ये देखिए पूरा ये कली जो खिलने वाली थी वो पूरा मुरझा गया है। इसके साथ मैं एक और बीमारी के बारे में बताऊंगी जो मेरे गमले में मेरे गुलाब के पौधे में लगे हैं, वो है ये दिखा रही हूँ मैं, ये धब्बा, ये धब्बा देखिए, धब्बा ये जो व्हाइट व्हाइट धब्बा है ये देखिए। तो अगर ऐसे व्हाइट धब्बा दिखे तो आप क्या करें, आप उसको पलट के देखिए, उसको पलट के देखिए। मैं पलट के दिखा रही हूँ, इसमें है इल्ली, ये देखिए इल्ली लगा है देखिए। तो आपके भी गुलाब में अगर ऐसे धब्बा दिखे ना तो आप उसे तुरंत पलट के देखें, उसमें नीचे में पत्ते के नीचे में इल्ली लगी रहेगी। तो ये तो थ्रिप्स तो है ही, ये तो थ्रिप्स है जो हमारे पत्ते को मोड़ रहा है और जो काला काला धब्बा है और जो कली को हमारे खिलने नहीं दे रहा है, वो भी काले काले होकर सिकुड़ कर गिर जा रहे हैं। उसके साथ साथ अगर यह धब्बा आपके गुलाब में दिखे तो आप उसे पलट कर तुरंत देखिए, उसमें इल्ली लगा रहेगा। तो मेरे गुलाब में दो तरह की बीमारी है, तो आज मैं इसमें क्या स्प्रे करूंगी, क्या सोल्यूशन का स्प्रे करूंगी वो दिखाऊंगी। और वो दोनों बीमारी का एक ही सोल्यूशन है, दोनों बीमारी एक ही से सोल्यूशन में ठीक हो जाएगी। तो उसके लिए मैं ली हूँ ये 1 लीटर पानी है इसमें, और ये है मेरा नीम का जो निम्बोली रहता है उसी को मैं बनाई थी, बेस्ट डीकम्पोजर में डालकर उसी का सॉल्यूशन बनाई थी। और उस सॉल्यूशन का मैं ये 20 से 25 ml तक 1 लीटर पानी में डाल रही हूँ। और ये है लिक्विड का, ये मैं 2 ड्रॉप इसमें डाल दूंगी। बस ये मेरा स्प्रे तैयार है, तो अच्छी तरह से मिला दें और इसी का मैं छिड़काव करूंगी। इसकी छिड़काव मैं हर 4 दिन में करूंगी, हर चार चार दिन में इसका 4 बार मैं स्प्रे करूंगी। और इल्ली तो तुरंत ही इस स्प्रे करते ही ये मर जाएगी। और ये जो थ्रिप्स है इसमें भी अच्छा प्रभाव डालेगा ये मेरा सोल्यूशन, ये जो नया ग्रोथ हो रहा है वो बढ़ेगा। ये देखिए ऐसे आप लोग भी करें। और इसमें हम लोग ऊपर से तो स्प्रे कर देते हैं, पर हम लोग ऐसे साइड से स्प्रे करते हैं गलत है, हमें ऐसे ऊपर से स्प्रे करना है, ताकि ये इस पर से स्प्रे करने से जो थ्रिप्स है जो ये नए ग्रोथ के अंदर अगर घुसा है तो इसमें डायरेक्ट पड़ेगा। और दूसरा इसमें दूसरी बात यह है कि इसको हम पत्ते को पलट कर स्प्रे करेंगे, देखिए पत्ते को पलट के स्प्रे करेंगे, क्योंकि इसमें ये इल्ली लगी है। अगर हम पत्ते के ऊपर स्प्रे करेंगे तो इल्ली कैसे खत्म होगी, हमें इसको उल्टा कर देना, पत्ते को उलट कर इसमें स्प्रे करेंगे।
थी। अरे ये सब भी गुलाब में आप ऐसे इसको कर सकते हैं। हमें चार चार दिन में स्प्रे इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये थ्रिप्स का सर्कल है, अगर हम लोग चार दिन में स्प्रे नहीं करेंगे तो उसका सर्कल टूटेगा नहीं और ये बढ़ते जाएगा इसका प्रकोप, तो हमें इसको चार चार दिन में इसका स्प्रे करना है। ये देखिए, और मैं इसका रिजल्ट बाद में दिखाऊंगी कि मेरा गुलाब में या थ्रिप्स का प्रकोप खत्म हुआ कि नहीं, एक इल्ली के प्रकोप खत्म हुआ कि नहीं ये मैं बताऊंगी। इल्ली तो तुरंत ही मर जाएगी, जैसे आप स्प्रे करेंगे इल्ली पूरा खत्म हो जाएगी। बस आज के लिए इतना ही।